नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह आइडिया वोडाफोन की दोस्ती येस बैंक पे भारी पड़ने वाली है और येस बैंक को नुकसान देने वाली है, दे सकती है। दोस्तों सारा वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं क्या है पूरा मैटर, डिटेल से आपको समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन बिल्कुल ध्यान से दबा दीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा मत, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं हमारे आज के वीडियो के टॉपिक पर। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा बैंक है उसने टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने से मना कर दिया है दोस्तों, और उनको अब पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और पैसा कितना देना पड़ेगा दोस्तों, वो देना पड़ेगा $13 बिलियन, ठीक है। अब ये पैसा कितना होता है आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लीजिए, लेकिन मैं आपको जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया वो आपको मैं बता देता हूँ कि इन बैंकों ने क्या कर रखा है कि इन टेलीकॉम कंपनियों को 51,000 करोड़ रुपये का कर्ज दे रखा है, ठीक है। अब उनमें से दोस्तों अगर ये इतना पैसा टेलीकॉम कंपनियां सरकार को जमा करा देगी तो इनकी बैलेंस शीट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अब दोस्तों स्पेशली मैंने वीडियो बनाया है येस बैंक के लिए, तो मैं आपको येस बैंक की पूरा डिटेल बता देता हूँ कि क्या है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा पैसा देने वाले हैं आइडिया वोडाफोन को, उनमें नाम किनका है, एक तो इंडसइंड बैंक ने दिया है सबसे ज़्यादा पैसा, उसके बाद येस बैंक ने दिया है, SBI ने दिया है, ये तीन बैंक है जिन्होंने सबसे ज़्यादा कर्ज बांटे हैं आइडिया वोडाफोन को, ठीक है। अब दोस्तों हम अपन देख लेते हैं कितना कितना पैसा किस किस ने दिया है। अब एक्सपोजर टू वोडाफोन आइडिया, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों येस बैंक ने करीबन 2% पैसा दिया हुआ है। अब येस बैंक की अगर यहाँ देखें तो 2.1% है, उसके बाद इंडसइंड बैंक का बराबर 2% के आसपास है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर आइडिया वोडाफोन कंपनी को कुछ भी होता है, मान लीजिए बंद होती है या कोर्ट से फटकार लगी, पैसा जमा कराती है, तो दोस्तों कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा, सरकार को पैसा जमा कराना पड़ेगा। और मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि अक्टूबर में करीबन 4 करोड़ जो इसके यूज़र थे वो छोड़ के कंपनी भाग गए हैं, ठीक है। यदि आपने भी यहाँ पर देख लीजिए, मैंने वो वीडियो बना दिया था, मेरे को पहले ही पता था कुछ इस तरह की खबर आने वाली है। दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाए मैंने किस तरह से एनालिसिस करके बताया था। हालांकि दोस्तों ये वीडियो मैंने एक दिन पहले ही डाल दिया और न्यूज़ अब आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों आपको भी यदि इस तरह के अपडेट चाहिए, न्यूज़ के पहले आपको अपडेट चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक टेलीग्राम लिंक दे रखी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लाइव बेसिस पे एनालिसिस मिल जाए। अब दोस्तों मैं आपको चार्ट पे बता देता हूँ कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अब इसका जो लाइफ टाइम हाई या लो देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा करीबन 29 रुपये के आसपास है, और अभी ये चल रहा है करीबन 30 से 40 रुपये की रेंज में, ठीक है। अब दोस्तों ये खबर जो आई है, ये आई है मार्केट बंद होने के बाद, और आज सैटरडे है, कल संडे, अब मंडे को ओपनिंग होगी, तो हमें ये खबर इसमें डिस्काउंटेड होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि जो 30 का लेवल है ये भी अब ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा और नीचे की ओर चले जाएगा, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, आपको पता चलेगा कि इसका जो बैलेंस शीट साइज़ है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, देखिए इसकी जो बैलेंस शीट साइज़ है वही है करीबन 10,000 करोड़ के आसपास। अगर शेयर्स में 1-2 रुपये का भी उतार चढ़ाव होता है तो ये 10,000 करोड़ के नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो बैलेंस शीट में कोई खास दम है नहीं दोस्तों, ठीक है। पूरा जो शेयर है वो भी अब कहाँ है, कितना है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में बता दिया है, आप देख लीजिएगा वीडियो। तो दोस्तों मोटा मोटी वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि येस बैंक में लगातार नेगेटिव खबरें आती जा रही है, जो विदेशी निवेशक थे वो भी आना बंद कर दिया, उनका ऑफर भी येस बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है, और येस बैंक ने अब जो पैसा जुटाने की कोशिश थी उनके 10,000 करोड़ के आसपास। दोस्तों इस तरह की जब न्यूज़ आ गई है, प्रिडिक्शन आ चुका है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पैसा जमा कराना पड़ेगा आइडिया वोडाफोन को, तो इस तरह से येस बैंक के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। तो अगले आने वाले कुछ दिनों में सोच समझ कर आप ट्रेड कीजिएगा, लंबी पोजिशन है। यदि आप पूर्व में भी किसी तरह की पोजिशन लेके येस बैंक में फंस चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नीचे कमेंट करके बताइए आपके पास कितने शेयर हैं और किस प्राइस पर आपकी खरीदी है, ताकि हो सकेगा तो कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको कमेंट के थ्रू अपडेट कर दूंगा, या वीडियो के थ्रू कमेंट तो मैं आपका जवाब देने की कोशिश करूंगा आपके कमेंट का। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आया हो तो दोस्तों कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह लोगों से पहले आपको अपडेट मिलते रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।